हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बाड़मेर शहर में चोरी की घटनाओं को लेकर लोगों का गुस्सा फूटा। थार नगरी बाड़मेर जिला मुख्यालय बाड़मेर शहर में लगातार चोरी की घटनाएं हैं कि थमने का नाम नहीं ले रही, जिसके चलते आए दिन चोरी की घटनाएं सामने आ रही है। बीती रात अज्ञात चोरों ने 132 केवी आवासीय कॉलोनी में एक घर को निशाना बनाते हुए घर में रखे सोने चांदी के गहने और नकदी को पार कर लिया। 132 आवासीय कॉलोनी में आए दिन हो रही चोरी की घटनाओं को लेकर रविवार को स्थानीय लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और स्थानीय लोगों ने धरना प्रदर्शन करते हुए कॉलोनी के गेट पर ताला जड़ दिया, जिसकी जानकारी मिलने पर सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और समझाइश कर मामले को शांत करवाया। स्थानीय लोगों के अनुसार 132 केवी आवासीय कॉलोनी में आए दिन चोरी की घटनाएं सामने आ रही हैं। मामला दर्ज करवाने के बाद भी चोरी की वारदात का खुलासा नहीं कर पा रही पुलिस। ऐसे में बीती रात चोरों ने एक घर को अपना निशाना बनाते हुए चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। इसी बात को लेकर लोगों में गुस्सा देखा जा रहा है, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थानीय लोगों से समझाइश कर जल्द ही चोरी की वारदातों का खुलासा करने का आश्वासन दिया, जिसके बाद पूरा मामला शांत हुआ। बता दें कि सदर थाना क्षेत्र के 132 केवी आवासीय कॉलोनी में आए दिन चोरी की घटनाएं सामने आ रही है और मामला दर्ज करवाने के बाद भी चोरी की वारदात का खुलासा नहीं हो रहा है। इसी को लेकर स्थानीय लोगों में अब जबरदस्त तरीके से गुस्सा देखने को मिल रहा है। रविवार को बड़ी संख्या में महिलाओं और पुरुषों ने आवासीय कॉलोनी के आगे धरना प्रदर्शन करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। जागरूक टीवी के बाड़मेर से ठाकरा मेघवाल की रिपोर्ट।